वेलकम टू द पाठशाला। ये आपके एसएससी सीजीएल 2018 की इंग्लिश की क्लास चल रही है। आज का क्लास नंबर 3 है। दो लेक्चर इसके पहले हम कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ऐसे बंदे ने वो क्लास ना की हो तो पहले उन क्लासेस को करिए, फिर इस क्लास को करिए, क्योंकि अगर आप एक बार में सेलेक्ट होना चाहते हैं या फिर आप प्रीवियस ईयर से तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि 2018 जो है आपका आखिरी बार हो एसएससी सीजीएल में और रिजल्ट लेके आप घर जाएँ, तो आप सारी क्लासेस को रेगुलर कीजिए। मेरे तीन कॉन्सेप्ट हैं, इन तीन कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपको नीचे कमेंट सेक्शन में अटेंड लिखना पड़ेगा अगर आप प्राइस क्लेम करना चाहते हैं। तो ये माइंड बाउल कॉन्सेप्ट जैसा कि है, मैं बताता हूं कि इसमें आपको पूरा का पूरा जो है नॉलेज फिल करना है। ये फिल तो पूरा कभी नहीं होगा, लेकिन आपका जो ये लीकेज है ये मिनिमाइज करना है। तो ये मिनिमाइज करने के लिए आपको रिविजन की जरूरत पड़ेगी। वो अब मैं सिखाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि दो लेक्चर मैंने करा दिया है। आज तीसरे लेक्चर में उस रिविजन का एक डेमो दूंगा कि किस तरीके से हम रिविजन करते हैं ताकि चीजों को हम परमानेंट याद रख सके, कभी हम भूले ना, या एग्जाम के समय आके ऐसा ना हो कि हमें रिवीजन करना है सर, हमें रिवीजन करना है सर। तो मेरी जो क्लासेज होगी वो रिवीजन आपको साथ में लेके चलना है, ताकि आप कभी चीजों को भूलो मत। जो ये स्टडी है आपका जो होने वाला है, उसका जो ग्राफ है वो e के पावर x के हिसाब से जाना चाहिए। अभी घंटे, दो घंटे, फिर उसके बाद तीन घंटे, फिर चार घंटे, और फिर इसी हिसाब से बीच में मेंटेन रखना है। और मेंटेन रखते 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 जब आपका एग्ज़ाम आ जाए तो उस वक्त आपका पीक जोन होना चाहिए पढ़ाई का। एफर्ट और कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है। और एक चीज़ जो मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था कि आईक्यू और एनवायरनमेंट का क्लोज रिलेशन होता है। आप अपना एनवायरनमेंट बदलिए, आईक्यू अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। अगर आपने अपना माहौल सही से चेंज किया तो आप वीक स्टूडेंट से स्ट्रांग स्टूडेंट बन जाएंगे। आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। आपने जो कंट्रीब्यूट किया है अभी तक वो तकरीबन 10-11 हज़ार रुपये के आसपास हम रिसीव कर चुके हैं। तो तकरीबन हम एक टीचर तो अभी आपको हायर करके प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 10 या 11 दिन में, मेरा मानना है कि मैक्सिमम 10 या 15 डेज में आपको एक टीचर यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपको जीके पढ़ा रहे होंगे या फिर रीजनिंग पढ़ा रहे होंगे। तो आप में से जिस किसी ने भी अभी तक वॉलंटरी फ़ीस नहीं पे की है तो प्लीज़ इस पेटीएम अकाउंट पे अपना वॉलंटरी फ़ीस पे कीजिए। 20 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, और ये बहुत छोटा अमाउंट है। ये जो हमारा लेक्चर है जो 2018 के लिए चल रहा है, ये कम्प्लीट पैकेज होगा। कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे और बहुत सॉलिड तरीके से पढ़ाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर आपको चेक करना हो तो हमारे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनके कंटेंट चेक कर सकते हैं अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारी क्लास की अभी जो टाइमिंग चल रही है वो 6 बजे शाम को इंग्लिश की क्लास चल रही है। जल्दी हम और क्लासेस अनाउंस करेंगे किस टाइम पे होगा। आशीष सर जल्द ही आपकी 2018 का जो है बैच है वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग जो है क्लासेस मिस बिल्कुल मत करिए। अब चलिए मैं आपको रिवीजन का एक जो है झलकी देता हूँ कि आपको रिवाइज कैसे करना है। ये जैसे कल मैंने लेक्चर बताया था, मैंने आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था कि आपको पैरेलल सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर समझने हैं। एक तो सेंटेंस किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल, एग्जेक्टिव, है सारे के सारे चीज़ आपको इसको साथ में लेके चलना है कि हाँ इन चीज़ों से हमारा सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का होता है। तो हम इसका पहला पार्ट तोड़ के पढ़ रहे हैं नाउन को। नाउन हम जानते हैं सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं, और सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा वर्ब आता है, तो इसलिए हमें नाउन को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। और प्रोनाउन जो होता है वो हमारे नाउन के हिसाब से आता है, तो हमें नाउन की जानकारी होनी चाहिए सही से। तो आज हम पढ़ेंगे आगे, जैसे हमने नाउन एंड जेंडर था कि उस हिसाब से हमें प्रोनाउन लेना है। नाउन एंड जेंडर जो होता है उसके हिसाब से हमें प्रोनाउन लेना होता है, और नाउन और नंबर जो होता है उसके हिसाब से हम वर्ब लेते हैं। तो ये दो चीज़ें हम आज थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि जब हम वर्ब के विषय में पढ़ रहे हों तो हमें इस बात का टेंशन ना हो कि नाउन ये सिंगुलर था कि प्लूरल था। जब हम नाउन और जेंडर पढ़ने के बाद प्रोनाउन पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे हमें टेंशन ना लेना हो कि हमें ई लेना है, सिट, सी लेना है या फिर इट लेना है। तो इस तरीके के टेंशन्स नहीं होनी चाहिए हमें, इस वजह से ये काम हम करेंगे। यहाँ पे हम एक चीज़ की और बात कर ले, जो हमारा कॉमन नाउन होता है और कलेक्टिव नाउन होता है, कई बार हमको चीज़ों को देखने में लगता है ये सिंगुलर है पर वो प्लूरल नाउन होते हैं, तो उनके हिसाब से वर्ब हमें यूज करना है। तो अगर हमें एग्जैक्ट पता नहीं होगा कि वो सिंगुलर सेंस में यूज हो रहे हैं या प्लूरल सेंस में यूज रहे हैं, तो वर्ब के जो है यूज में हम गलतियां करेंगे। तो हमें कॉमन नाउन सही से पढ़ना पड़ेगा, जो है हमें कलेक्टिव नाउन सही से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। ये तो रहा आपका एक क्विक रिविजन जो मैंने लास्ट क्लास में दिया हुआ था। आज हम देखेंगे जो है कुछ जो है ग्रुप्स, कुछ जो वर्ड होते हैं कुछ ग्रुप को डिनोट करते हैं, तो आज हम उनको समझेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले रहा हूँ, अगर आपके पास कोई बुक है तो उसमें और डिटेल में होगा, लेकिन एक आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी में रफ ओवरव्यू ले लीजिए ताकि आपको ये चीज़ें पता चल सके कि क्या होती है। जो म्यूजिशियन होते हैं, जब इनके ग्रुप को कलेक्टिवली हमें बोलना हो तो हम बोलते हैं बैंड ऑफ म्यूजिशियन। इसी तरीके से अगर डायरेक्टर के ग्रुप को बोलना हो तो ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। गर्ल्स ओमेन या ऑफिसर्स के ग्रुप को बोलना हो तो ए बेबी ऑफ गर्ल्स या बेबी ऑफ ओमेन या ऑफिसर्स बोलते हैं। ए
बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं, बंच ऑफ कीज बोलते हैं, इन गुच्छे बोलते हैं ना, ग्रेप्स का गुच्छा है, अंगूर का गुच्छा है, कीज का गुच्छा है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं बंच ऑफ। ए बंडल ऑफ स्टिक्स एंड हे, हे होता है सूखी घास। ए कारवा ऑफ मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स, ट्रेवलर्स, मर्चेंट होते हैं व्यापारी, पिलग्रिम्स होते हैं तीर्थयात्री, ट्रेवलर्स जो ट्रेवल करते हैं। फिर होता है चेन, ये रेंज जो माउंटेन या हिल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद आता है आपका सिंगर्स। सिंगर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ख्वाया। ख्वाया इसको बोलते हैं, इसमें आर थोड़ा सा साइलेंट रहता है। इसका प्रोनाउंसिएशन सीखने में मेरे को थोड़ा सा मतलब मेहनत करना पड़ा है। कई बार मैंने गूगल और गूगल का जो है साउंड वाला इफेक्ट चेक करना पड़ा ताकि मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सीख सकूं। वैसे भी मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत वीक है। और इसके बाद जो 9th हज का एग्जाम्पल है, स्टूडेंट, ये तो आप लोग जानते होंगे, क्लास ऑफ स्टूडेंट बोलते हैं। रेटेन्यू ऑफ सर्वेंट या फिर अटेंडेंस बोलते हैं। तो ग्रुप को कुछ इस तरीके से डोनेट करते हैं। तो मैंने आपको एक बुक रिकमेंड की थी कि प्लिन टू पैरामाउंट जो है वो नीतू मैम की बुक ले लीजिए, उसमें ग्रामर का पोर्शन थोड़ा सा अच्छा है। तो उसमें और कई सारे जो है एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि और जो ये ग्रुप हैं, जो कुछ वर्ड्स हैं जो ग्रुप को डिनोट करते हैं, उनकी मैं PDF आपको प्रोवाइड कर सकूं। अब बात करते हैं नाउन एंड जेंडर की। यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे आपको बात किया जाए ग्रैप्स, तो ग्रैप्स आपका क्या है? प्लूरल फॉर्म है, तो इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन जब ए बंच ऑफ ग्रुप्स की बात किया जा रहा है तो वो पूरा का पूरा कलेक्टिवली बात किया जा रहा है, तब इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना और समझना कि वो कलेक्टिवली एक यूनिट की तरह इस्तेमाल हो रहा है या फिर अलग अलग सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर अलग अलग सेंस में इस्तेमाल हो रहा होगा तो वर्ब भी हम प्लूरल लेंगे, लेकिन अगर कलेक्टिवली एक सेंस में इस्तेमाल होगा तो वर्ब हम सिंगुलर लेंगे। नाउन एंड जेंडर जैसा कि मैंने बताया क्यों पढ़ते हैं? प्रोनाउन के यूज के लिए पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, कुछ कॉमनली हम बात करते हैं जिसमें हमें पता नहीं चल पाता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो उसके हिसाब से प्रोनाउन कैटेगराइज करना पड़ता है। क्योंकि प्रोनाउन होता क्या है, बेसिकली नाउन की जगह पे नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक हमें इस बात की क्लियरिटी नहीं होगी कि ये नाउन किस तरीके का है, नाउन वैसे तीन चार तरीके का होता है। एक तो होता है मैस्कुलिन जेंडर, बेसिकली जो मेल सेक्स होते हैं उनको मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, और जो फीमेल सेक्स होती है उसको हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। उस हिसाब से हम प्रोनाउन लेते हैं, मेल के हिसाब से हम अलग प्रोनाउन लेते हैं, फीमेल के हिसाब से हम अलग प्रोनाउन लेते हैं। कॉमन जेंडर उनको बोलते हैं जिसमें मेल या फीमेल दोनों जो है शामिल होते हैं। तो उस हिसाब से जैसे यहाँ पे है चाइल्ड, बेबी, टीचर, सर्वेंट, तो इसमें हमें पता नहीं रहता कि मेल की बात कर रहे हैं कि फीमेल की बात कर रहे हैं। नौकर है तो अब जो है उसमें लड़का है या फिर लड़की है, टीचर है तो उसमें कोई फीमेल पढ़ा रही है, कोई मेल पढ़ा रही है। तो इस तरीके से हम जब कंफर्म नहीं हो पाते तो उनको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। तो इनके हिसाब से जो है हम प्रोनाउन अलग तरीके से लेते हैं। न्यूट्रल जेंडर होता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। तो बेसिकली इनके लिए प्रोनाउन हम लेते हैं, जैसे कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टेलीविजन, ये सब हो गया। तो इनके हिसाब से हमें प्रोनाउन लेना पड़ता है। इस वजह से हमें इन चीज़ को समझना पड़ता है कि क्या है मैस्कुलिन जेंडर, क्या है फेमिनिन जेंडर, क्या है कॉमन जेंडर, क्या है न्यूट्रल जेंडर। बेसिकली इसका आइडिया आप सभी लोगों को होगा क्योंकि आप यहाँ तक आए हो। तो ऐसा नहीं है कि आप में से किसी को पता ना हो कि मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है, या फिर कॉमन जेंडर क्या होता है, या फिर न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे क्या है, टाइगर, फादर, लायन, समर, टाइम, अब ये पावर क्या है, गलती से प्रिंट हो गया, थंडर, वायलेंस, सन, ETC, ये मेल सेक्स की तरह लिया गया है। इसी तरीके से ट्राइग्रेस, ओमैन, लॉयनेस, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ, गॉडेस, तो फीमेल। आपको वहाँ पे देख के इनमें तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा मेल है या फीमेल। आप में से ज़्यादातर तो लोग जानते ही होंगे क्योंकि यहाँ तक आए हैं। तो मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में स्टडी के लिए नहीं जा रहा हूँ, एक आधे थोड़ा इस पे और ओवरव्यू दे देता हूँ कि इनको चेंज कैसे किया जाता है। बस इसको रफ हम सीखेंगे, मतलब एक बार सिर्फ गुजरेंगे क्योंकि ये ज़्यादातर आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि अब CGL की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वीक होंगे, थोड़ा बहुत तो आपने बचपन से पढ़ रखा है। बस एक रफ देख लीजिए इसको कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अगर हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बना रहे हैं, बेसिकली हम मेल से फीमेल बना रहे हैं, तो कैसे बनाते हैं? तो इनके अंत में ES जोड़ते हैं। तो जैसे ऑथर है तो ES लास्ट में जोड़ दिया, होस्ट है तो इसके अंत में ES जोड़ दिया, जीव है तो अंत में ES जोड़ दिया। कभी कभी क्या होता है कि जो ये ओ है, जो वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स को हटा के थोड़ा अलग तरीके से जोड़ देते हैं जो है फीमेल बनाने के लिए। तो जैसे है एक्टर है, यहाँ पे आपने ओ हटाया, आर लगाया, फिर ESS जोड़ दिया। बेनिफैक्टर है, ओ हटाया, आर टी के बाद लगाया यहाँ पे और ESS जोड़ दिया। हंटर में यहाँ से ई हटाया, आर लगाया और ESS जोड़ दिया। प्रिंस में सिर्फ SS जोड़ा है क्योंकि ये ऑलरेडी है। अब कुछ नीचे और है लिया यहाँ पे, जैसे एम्परर है, अब एम्परर में क्या किया आपने, ये OR हटा लिया, ठीक है, ESS जोड़ दिया। गवर्नर में OR हटा लिया जो है, ESS जोड़ दिया। ड्यूक को ESS जोड़ दिया साथ में, और K
के ई को सी एच में बदल दिया, तो इस तरीके से कुछ चेंज करते हैं गॉड को गॉडेस। ये थोड़े से आपको स्पेलिंग याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब स्पेलिंग वाला पंगा आता है तब वहां पे ये चीज दिक्कत कर सकती है, अदरवाइज आप ई डबल एस ई डबल एस इस तरीके की चीजें देख के आप समझ जाओगे कि ठीक है ये फीमेल है। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैन सर्वेंट है तो मेड सर्वेंट है, इनको मैन को मेड में मतलब अलग तरीके से चेंज कर दिया, वॉशरमैन है तो वॉशर वुमेन कर लिया, बक रैबिट होगा सॉरी ये यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए था, बैक रैबिट है तो डियो रैबिट बोला गया, ब्रदर इन ला है तो सिस्टर इन ला है, तो ये सब आप कॉमन तरीके से आप लोग जानते हैं। कुछ और यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है तो इसको किस तरीके से करते हैं, फीमेल अगर चेंज करना हो तो एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स करके चेंज करते हैं, एग्जीक्यूटर का टी आर आई एक्स लगाया मैंने, लैड का, लैड मैंने बच्चा होता है, लैस मैंने बालिका होती है, तो ये शायद आपको नहीं पता होगा, एल ए डबल एस का मतलब होता है बालिका या लड़की होती है, लैड मतलब लड़का होता है, प्रोसिक्यूटर फिर आर आई एक्स लगा के चेंज किया। तो ये चीज़ आप लोग एक आध बार बस ऐसे रब ओवरव्यू देख लीजिए, क्योंकि मैं फास्ट इसलिए जैसे करा रहा हूँ क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहने वाला है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रोल रहता तो मैं इसको बहुत आराम आराम से आपको पढ़ाता, ये बस मैं चाहता हूँ कि एक बार आपके दिमाग से सामने से गुजर जाए ताकि आपको पता हो कि किस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो इनको बहुत ज़्यादा रिविजन की जरूरत नहीं है, इनको जब मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार सुन लीजिए, और ये आपका रिविजन का पार्ट नहीं है, जहाँ पर रिविजन का पार्ट आएगा मैं बताऊँगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से होता है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं नाउन एंड नंबर। नाउन एंड अगर नंबर की बात करें तो ये बहुत ही आसान बात है जो हम लोग जानते हैं कि अगर एक है तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलर, और अगर एक से ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलते हैं प्लूरल, या इसको इस सेंस में बोलते हैं दो या फिर दो से ज्यादा, तो ऐसे ना बोलते कि एक से ज्यादा हो, तो एक रहेगा तो सिंगुलर और एक से ज्यादा रहेगा तो प्लूरल। एक चीज़ और समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें ग्रुप में अगर ऐसे कलेक्टिवली बात की जा रही है एक यूनिट की तरह, तो उसको भी हम एक ट्रीट करते हैं सिंगुलर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो इस बात पे बनता है, जब हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे होते हैं तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली उन एक्सेप्शंस पे आते हैं, नॉर्मल रूल्स पे नहीं आते हैं, तो आपको उन रूल्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद जो एक्सेप्शंस होते हैं उनको याद करना पड़ेगा। रूल्स को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन रूल्स पे नहीं बनेंगे, रूल जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो एक्सेप्शन पे बनते हैं, तो पहले हमें रूल समझना पड़ेगा और फिर उन चीज़ को समझना पड़ेगा जो उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन वर्ड्स को समझना पड़ेगा और फिर उन वर्ड्स को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ताकि जब हमारे क्वेश्चन में आए तो वहाँ देख के हम समझ पाए कि नहीं ये जो है सिंगुलर है ये प्लूरल नहीं है, या ये फिर प्लूरल है ये सिंगुलर नहीं है। जैसे अगर पहले रूल की बात करें अगर सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए, तो सिंपली हम जानते हैं किसी भी नाउन के अंत में अगर हम ऐसे जोड़ दें तो हमारा प्लूरल बन जाता है, एक नॉर्मल रूल होता है जो जनरल रूल कहे, तो जैसे यहाँ पे बॉय है इसके अंत में आपने जोड़ दिया बॉयज, गर्ल है तो गर्ल्स, काइट है तो काइट्स, ये तो हमने सिंपली एस जोड़ दिया। कुछ वर्ड के अंत में जो है एस लगा हुआ आता है, एस एस होता है, सी एच होता है, एस एच होता है, जेड होता है या फिर एक्स होता है, अगर ये सारे वर्ड लगे हों तो ऐसे में हम क्या करते हैं फिर हम ई एस जोड़ते हैं, जैसे बी एस अंत में एस है तो इसके साथ में अंत में क्या जोड़ते हैं ई एस, बसेस वॉच है सी एच आया है तो अंत में ई एस जोड़ दिया है, डबल एस आया है तो इसके अंत में क्या है यहाँ पे एस एस होगा, ये स्पेलिंग के लिए रखा है एस एस, सॉरी मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, स्पेलिंग की बहुत शिकायत रहती है आप लोगों की कि हैंड राइटिंग क्लियर नहीं होगी, तो एस एस ये एडेड लिखा हुआ ये होगा एस एस। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हमने ये वर्ड देखे हैं कि एस 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 सी एच एस एच जेड और एक्स आए हुए हैं, तो कुछ ऐसे रूल मतलब वर्ड्स जो है रूल फॉलो नहीं करते हैं, उनके अंत में हम ई एस लगा के नहीं बना पाते हैं, जैसे हम सिंपली एस लगाते हैं या कुछ और चीज़ लगा के जो है बनाते हैं, तो स्टोमक है इस पर कॉमन क्वेश्चन बनता है, स्टोमक के अंत में हम ई एस नहीं लगाते, स्टोमक के अंत में हम सिंपली एस लगाते हैं, इन पर क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा स्टोमक का जो हम प्लूरल बनाते हैं वो सिर्फ एस लगाते हैं। लोकस, लोकस जो है आपका सिंगुलर है और लोकी एल ओ सी आई ये आपका प्लूरल फॉर्म है, तो ध्यान रखिएगा कभी कभी आ जाता है और इसके साथ जो है वर्ब इस्तेमाल कर दिया जाता है सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं इस्तेमाल करने का, क्या इस्तेमाल करने का इसके साथ एल ओ सी आई के साथ, याद रखिएगा लोकी के साथ आपको हमेशा प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये आपका प्लूरल जो है नाउन है। रेडियस, रेडियस आपका सिंगुलर होता है, रेडियाई ये आपका जो है प्लूरल होता है, इसमें हम कई बार गलतियाँ करते हैं, ऑक्स ऑक्सीजन इनका अलग तरीके से जैसे कुछ बना है, तो ये आपको याद रखना है, ये एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, नॉर्मल रूल सिर्फ एक बार दो बार पढ़ना है, इनको रट्टा नहीं मारना है, कोई ज़रूरत नहीं है। रूल नंबर थर्ड की बात करें कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके अंत में ओ आता है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट उसके पहले है, क्या है कॉन्सोनेंट, एक होता है वॉवेल होता है, एक आपका कॉन्सोनेंट होता है ए ई आई ओ यू,
ये आपके वॉवेल्स होते हैं और बाकी सारे के सारे 26 में से बचे हुए लेटर्स 21 वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर लास्ट में ओ आए और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे हीरो है, ओ आपका लास्ट में है ये आया हुआ है और इसके पहले क्या है आर है, ये आपका ए आई ओ यू में नहीं है तो ये कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे में सिर्फ ई एस जोड़ के हम प्लूरल बना लेते हैं। तो हीरो का हीरोज ई एस में जोड़ लिया, मैंगो यहाँ पे देखो ओ आया है इसके पहले क्या है जी, जी आपका कॉन्सोनेंट है तो मैंगोज बना लिया, कार्गो कार्गोज, पोटैटो इसी तरीके से पोटैटोज बना लिया हमने। लेकिन इनके भी कुछ एक्सेप्शंस है, यहाँ पे देखो डायनमो आया है, अब अंत में ओ है और इसके पहले क्या है एम है आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसको लेकिन सिंपल एस जोड़ के बनाते हैं। रेशियो है ओ है इसके पहले तो मान लो आई आ गया है तो वावेल आ गया है, तो ऐसे समझ लीजिए रेशियो का रेशियो जैसे बनता है। सोलो सोलो का सोलोज सिंपल एस लगता है, मोमेंटो का सिंपल एस लगा के बनाते हैं, पियानो को सिंपल एस लगा के बनाते हैं, फोटो को सिंपल एस लगा के बनाते हैं। इस पर कई बार क्वेश्चन आया है, फोटोज का इस तरीके से आ जाता है ई एस लगा के फोटोज, तो ये नहीं होता है, इसका होता है फोटो पी एच ओ टी ओ एस। तो ये एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, ये रूल्स याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, इनको पढ़ लीजिए, आपको ये एक्सेप्शंस अपने नोटबुक में नोट करके रखने हैं ताकि आप इनको बार बार पढ़ के याद कर सके, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो तो वहाँ पे आपको पता हो कि ये चीज़ें जो है सिंगुलर है और ये चीज़ें प्लूरल है और किस में एस लगाते हैं और किस में ई एस लगाते हैं। तो यहाँ मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ओ आए आखिरी में और कॉन्सोनेंट उसके पहले हो तो हम ई एस लगाते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में हम सिंपल एस लगा के प्लूरल बना लेते हैं। नेक्स्ट की रूल की बात करें कि अगर अंत में आपका जो है वाई आए और वाई के पहले आपका जैसे यहाँ पे ई है वॉवेल हो, तो ऐसे केसेस में हम सिंपली एस लगा के इसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे की है तो कीज हमने सिंपली एस लगाया, डे वाई है तो ए है, ए आपका वॉवेल है ए आई ओ यू में से तो हम डेज करके बनाते हैं, टॉय है ओ आपका वॉवेल है वाई लास्ट में है तो टॉयज बनाएंगे, डंकी डंकीज बनाएंगे, से का सेज बनाएंगे। इसके बाद जो रूल है वह है रूल नंबर 7, अगर किसी भी वर्ड के किसी भी नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए, ठीक है, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को क्या करते हैं वी ई एस में चेंज करते हैं। तो ध्यान रखिए एफ या एफ ई आए तो इसको किस में चेंज करते हैं वी ई एस में, जैसे काल्फ काल्व्स, वाइफ वाइफ्स। आप एफ या एफ ई को क्या चेंज करोगे, यहाँ पे एफ को वी ई एस में चेंज किया है, यहाँ पे एफ ई को वी ई एस में चेंज किया है, यहाँ पे फिर एफ को जो है वी ई एस में चेंज किया है, लीफ यहाँ पे एफ को वी ई एस में चेंज किया गया है, सेल्फ यहाँ पे एफ को वी ई एस में चेंज किया गया है, काल फिर दोबारा से यहाँ पे, सॉरी ये दोबारा रिपीट कर गया है। तो इस तरीके से इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे बिलीफ है, ठीक है, एफ लास्ट में आया है तो सिंपली एस लगाए यहाँ पे। तो ये जो आपको एक्सेप्शंस है ना वो याद रखने पड़ेंगे, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लिफ यहाँ पे सिर्फ सिंपली एस लगाया गया है, सेफ सेप्स, टर्फ टर्फ्स, चीफ चीप्स, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, डॉर्फ का भी आ चुका है, डॉर्फ का एस लगता है, गल्फ गल्फ्स, रूफ कई बार एग्जाम में आया है, रूफ्स करके आता है, इसका वी ई एस करके कभी कभी दे देता है तो वो गलत होता है, स्कार्फ स्कार्फ का जो है स्कार्प्स लगता है, ब्रीव ब्रीव्स, ग्रीव क्रीप्स, तो इस तरीके से लगता है। ये सारे एक्सेप्शन है तो इनको आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि एफ या एफ ई जनरल सेंस में वी ई एस लेता है, लेकिन जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो ये सारे पढ़ने हैं, क्योंकि इनके अंत में एफ या एफ ई आने के बाद हम वी ई एस लगाने के बजाय सिंपली एस जोड़ते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केसेज है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें से सारे तो नहीं पूछे जाते, जो कॉमनली जो है एग्जाम्पल में आपको मिलेंगे वही जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन एक बार आप यहाँ पर याद करके रखोगे तो जो यूज होते रहते हैं, जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं 8-10, वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। अब आगे बात करें रूल नंबर 8 की, जो कंपाउंड नाउन है, जैसे ब्रदर इन लॉ हो गया, इसमें कई सारे वर्ड है। कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो एक से ज्यादा वर्ड से मिलके बने हुए, जैसे ब्रदर इन लॉ हो गया, बेडरूम हो गया, कमांडर इन चीफ हुआ, मैड सर्वेंट हो गया, स्ट्रिप डॉटर हो गया, तो इनको जो है प्लूरल बनाने के लिए इनके जो है मेन वर्ड में, मेन वर्ड में एस या एस लगाते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ में ब्रदर आपका मेन वर्ड है तो आप लगाओगे ब्रदर्स, एस इसमें लगाएंगे तो ब्रदर्स इन लॉ। बेडरूम में जो है रूम जो है आपका वो मेन वर्ब है, मेन वर्ड है तो मेन वर्ड में हम लगाते हैं, बेड में गलती से मत लगाइएगा, बेड्स रूम करके आ जाता कभी कभी तो बेडरूम्स होता है। कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स इन चीफ होता है, कमांडर मेन वर्ड है आपका। मैड सर्वेंट में सर्वेंट आपका जो है मेन वर्ड है तो मैड सर्वेंट्स लिखते हैं। स्टेप डॉटर में जो है डॉटर आपका मेन वर्ड है तो स्टेप डॉटर्स करके लिखते हैं। इस तरीके से आपके बुक में और काफ़ी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, अगर आप बुक बाई किए होंगे जो है नीतू मैम की तो, या कोई और बुक भी बाई किए होंगे तो भी उसमें दिया रहता है, ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं, लगभग हर बुक में दिया रहता है। अब बात करें रूल नंबर 9 की, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे मैन है तो इनके जो बीच वाला जो वर्ड होता है इनको चेंज करते हैं, जैसे मैन का मैन, ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए, फूट का फीट, माउस का माइस, गूज का गीज, टूथ का टीथ, ओमैन का ओमेन, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी थोड़ा सा रिवीजन डाल के, ये
मतलब इतना भी नहीं है कि आप एक लाइन से ध्यान रखिएगा कि एक लाइन से सब रट्टा मार रहे हो, ऐसा मत कीजिएगा। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है आपको वो पढ़ना है और रट्टा नहीं मारना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी आगे वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि ये चीज़ों को परमानेंट याद कैसे करते हैं। जैसे अभी मैंने लास्ट लेक्चर का जो है रिवीजन लिया है, तो इसका भी एक मैं रिकैप लूंगा जब अपना लेक्चर नेक्स्ट वाला लेक्चर लूंगा, ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि लास्ट वाले लेक्चर में क्या क्या आपको रिवाइज करना है, ताकि आप ईयर के एंड में कुछ भी ऐसा ना महसूस हो कि सर जी वो पढ़ाया था भूल गया, ऐसा पढ़ाया वैसा पढ़ाया था, मेरे दिमाग से उतर गया, अभी रिवीजन की जरूरत है, रिवाइज नहीं कर पाया। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ आपके साथ हो, तो मैं साथ में रिवीजन कराता चलूंगा, बस आपको क्या करना है लेक्चर अटेंड करना पूरी तरीके से। अब बात करें रूल नंबर 10 की, कि कुछ नाउन के अंत में जो है ईएन जोड़ के जो है हम बनाते हैं प्लूरल, जैसे चाइल्ड है तो चिल्ड्रेन है, ऑक्स है तो ऑक्सेन है, और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके दो जो है प्लूरल फॉर्म होते हैं और बट उनकी जो है मीनिंग्स होती है वो अलग होती है। जैसे बात करें ब्रदर की, तो ब्रदर की दो प्लूरल फॉर्म होती है, ब्रदर्स और ब्रदरेन। तो जो ब्रदर्स होता है उसका मतलब ये होता है ना कि ब्लड रिलेशन होता है एक तरीके से, एक माँ बाप की संतान होते हैं तो उनको बोलते हैं, लेकिन जो ब्रदरेन होता है इनको बोलते हैं सामाजिक भाई, सोसाइटी के भाई, तो इनको सामाजिक भाई बोलते हैं। तो ब्रदर्स और ब्रदरेन में ये थोड़ा सा फर्क होता है। क्लॉथ में देखो, क्लॉथ इस्तेमाल करते हैं एक एस लगा के एक ई एस लगा के, तो जो ई एस लगा के इस्तेमाल करते हैं वो स्टिच्ड क्लॉथ होती है और जो सिंपल एस लगाते हैं वो होता है अनस्टिच्ड क्लॉथ। तो समझ रही है कि स्टिच्ड क्लॉथ और अनस्टिच्ड क्लॉथ क्या होता है, अगर प्लूरल बना रहे हो तो क्लॉथ से लेते हैं, अगर सिंपल एस लगाते हैं तो वो अनस्टिच्ड होता है, ठीक है, बगैर सिला हुआ बोले तो। लेकिन क्लॉथ से बोलते हैं ईएस लगाते हैं तो स्टिच्ड क्लॉथ होता है कि अब ये सिल गया, पहले नहीं सिला हुआ था अब सिल गया। तो ये दोनों प्लूरल फॉर्म चेंज करते रहते हैं क्लॉथ के, तो ध्यान रखिएगा कि क्लॉथ का एक प्लूरल फॉर्म होता है क्लॉथ, दूसरा होता है CLOTHES, ये सिला हुआ है और ये बगैर सिला हुआ है। डाई, डाई के जो है दो फॉर्म होता है, एक तो होता है डाइस और एक होता है डाइज। तो ये जो डाइज होता है जो स्टैंप और प्रिंटिंग के लिए या कॉइनिंग के लिए हम स्टैंप इस्तेमाल नहीं करते उनको डाइज बोलते हैं, और ये जो डाइस होता है वो क्यूब नहीं होता, आपने गेम में खेला होगा कि डाइस उछालो डाइस उछालो, तो वो होता है डाइस। इंडेक्स के दो फॉर्म होते हैं, EXES और CES। जो इंडेक्सेज होता है वो टेबल्स ऑफ कंटेंट बोलते हैं बुक में, ठीक है, और दूसरा जो इंडिसेज होता है वो अलजेब्रा में हम जब पढ़ रहे होते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेज, तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो अलग अलग फॉर्म है, दोनों प्लूरल फॉर्म है इंडेक्स के, तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो है इंडिसेस का जो है सिंगुलर फॉर्म इंडेक्स होता है, ये अलजेब्रा में जो है इस्तेमाल किया जाता है सर्ट्स एंड इंडिसेस में, और इंडेक्सेस जो होता है वो टेबल ऑफ कंटेंट होता है किसी बुक में, और इसका सिंगुलर फॉर्म होता है इंडेक्स। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस इनके प्लूरल फॉर्म में है और दो दो हैं, तो इनको आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो ये वाला पार्ट आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ के आपको कन्फ्यूज कराया जा सकता है। कुछ और टिपिकल जो है नाउन होते हैं जिनके प्लूरल फॉर्म थोड़ा अलग तरीके से चेंज होते हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे डाटम है, DATUM, इसको जो है हम डाटा लिखते हैं प्लूरल फॉर्म में, तो UM को हम सिंपली A से रिप्लेस करके हम इनका प्लूरल फॉर्म बना लेते हैं। OM है तो UM हटा के OA बना लिया, डिक्टम है UM हटा के जो है A लगा लिया, मेमोरेंडम है UM हटा के हमने A लगा लिया। तो ये सारे सिंगुलर फॉर्म है, ध्यान रखिएगा कि डाटम, OM, डिक्टम, मेमोरेंडम, स्ट्राटम और एजेंडम, ये जो है सारा का सारा सिंगुलर फॉर्म है। एजेंडा आपका प्लूरल है, स्ट्राटा प्लूरल है, मेमोरेंडा प्लूरल फॉर्म है, तो ध्यान रखिएगा इस पे क्वेश्चन बनते हैं। इनको कुछ को याद करना पड़ेगा, जितने मैंने एग्जांपल एटलीस्ट यहाँ पे लिए हैं इनको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मतलब दो तीन बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। रट्टा मारने का सेंस बोले तो ऐसा नहीं कि बैठ के आप रट्टा मारने लगे, दो तीन चार बार बस आपको इनको पढ़ना होगा, याद हो जाएगा चीज़ें। कुछ और बात करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंत में UM होता है। अभी हमने ऊपर UM को हटाया है, UM को हटा के A लगा के हमने जो है प्लूरल बना लिया है। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें UM को नहीं हटाते हैं, सिंपली S जोड़ के जो है हम प्लूरल बना देते हैं, इसलिए मैंने बोला कि ऊपर वालों को भी याद करना पड़ेगा। यहाँ कुछ और एग्जांपल है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, जैसे एजाइलम है, ठीक है, एजाइलम्स होता है, एजाइलम मतलब होता है सरल स्थल। म्यूजियम आप लोग जानते हैं, म्यूजियम्स, प्रीमियम, प्रीमियम्स, फोरम, फोरम्स, पेंडुलम, पेंडुलम्स। तो ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा पढ़ के, कि किसके अंत में UM आने के बाद S लगता है और किनके में, किन वर्ड्स में जो है UM आने के बाद जो है उनको रिप्लेस करके प्लूरल फॉर्म में A लेना पड़ता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे रेडियस मैंने बताया था, रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडिया ही होता है, ये थोड़ा अलग तरीके से चेंज होता है। सिलेबस आपका सिंगुलर फॉर्म होता है, सिला भी जो है आपका जो है प्लूरल फॉर्म होता है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। यहाँ पे कुछ और वर्ड है जहाँ पे जैसे अंत में IS आया, इसको हटा के ES में चेंज किया गया है, जैसे एनालिसिस, SES लगाए यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो क्राइसिस में SIS है, तो इसको आप प्लूरल फॉर्म में SES लगा के,
हाइपोथिसिस, यहाँ पे एस ई एस, तो इनका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम रहता है, बस ध्यान रखिए कि एस आई एस है, अंत में आई एस है तो वो सिंगुलर फॉर्म होगा और ई एस है तो वो आपका प्लूरल फॉर्म होगा, तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। बेसिस और बेसिस, तो यहाँ पे आई एस है और यहाँ पे ई एस है, तो ई एस वाला जो फॉर्म होता है वो प्लूरल रहता है और आई एस वाला जो फॉर्म रहता है वो सिंगुलर रहना, थीसिस आई एस वाला फॉर्म है, ई एस वाला फॉर्म है, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, सिर्फ ये कि आई एस वाला जो फॉर्म है वो सिंगुलर है पहचानने के लिए, जो ई एस वाला फॉर्म है वो प्लूरल फॉर्म है, तो इनसे कभी काल को क्वेश्चन उठाया जा सकता है। कुछ ग्रीक वगैरह वर्ड होते हैं, कुछ और वर्ड्स होते हैं, जैसे फिनोमिनॉन होता है तो इनका फिनोमिना होता है, यहाँ पे इसको सीधा सीधा इस तरह बदलते हैं, क्राइटेरियन होता है, क्राइटेरिया इसका प्लूरल फॉर्म होता है, तो ध्यान रखिए कभी कभी आता है ना क्राइटेरिया, तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर देते हैं, क्राइटेरिया आपका प्लूरल वर्ब है, ये याद रखिएगा, ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जो फिनोमिनॉन एन ओ एन है, यह आपका सिंगुलर फॉर्म है, एम ई एन ए है, ठीक है, यहाँ पे ओ एन हटा के जब ए लगाया जाता है तो फिनोमिना, ये आपका प्लूरल फॉर्म होता है, तो ये दोनों केसेस आप याद रखिएगा, क्राइटेरिया आपका यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, क्राइटेरियन आई ओ एन वाला जो फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है, और फिनोमिनॉन में ओ एन वाला जो फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है, और ई एन ए वाला जो फॉर्म होता है वो आपका प्लूरल फॉर्म होता है। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कुछ होते हैं ना कि इफ 5 बी ए बट 10, इनका भी जो हम प्लूरल बनाते हैं इनके अंत में एस लगा के, इफ इफ्स 5 का 5s, बी ए का बी एस, बट का बट्स, 10 का 10s, एम ए का एम एस, आई का आई एस, पी का पीज, ए टी एम आता है आपका ए टी एम्स, टी का टीज, एब्रीविएशन इनको बोलते हैं, एब्रीविएशन में भी हम एस लगा के जो है इनका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। कुछ और है वर्ड्स यहाँ पे देख लेते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए, जैसे इनकी मीनिंग क्या होती है ना बदल जाती है प्लूरल फॉर्म में जाने का, जैसे एयर आपका सिंगुलर है, अब एयर हमने ले लिया प्लूरल फॉर्म में, तो एयर जो होता है ना कहते ना कि हवा बना रहा है, तो ये एयर जो है आपका सिंगुलर फॉर्म होता है जिसको हम हवा बोलते हैं, ये एयर्स होता है हवा बनाना होता है, जैसे बोलते हैं ना कि हवा बना रहा है, हवा बना रहा है, तो ये वो वाला एयर्स होता है। रिटर्न, रिटर्न मतलब आना होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है। रिटर्न्स आप जानते हो ना कि जैसे हम कहीं इन्वेस्ट कर दिए और बोल रहे हो कि रिटर्न आ रहा है वहाँ का, तो कैलकुलेशन ऑफ इनकम होती है। फोर्स, फोर्सेज, तो जो फोर्सेस होती है वो बेसिकली पुलिस के लिए इस्तेमाल की जाती है, फोर्स मतलब बल होता है आपका। आयरन, आयरन मतलब आप जानते हो एक धातु होती है, आयरन्स, सैकलेस, ठीक है, सेंड, सेंड्स, और ये जो सेंड्स है ये रिजल्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल फॉर्म में। एब्यूज, एब्यूजेज, एब्यूजेज जो हो गया ना वो आपका एक जो है इविल वर्ड हो गया, ठीक है। गुड, गुड्स, एक गुड है आपका, ये एग्जेक्टिव होता है, गुड्स होता है ना एक प्रॉपर्टी होती है, गुड मतलब ये एग्जेक्टिव रहता है सिंगुलर फॉर्म में जो इस्तेमाल होता है, और जो ये एस लगा के इस्तेमाल होता है गुड्स, इसका मतलब होता है आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं ना कि गुड्स ले आओ, सेवरल गुड्स वगैरह इस तरीके से, तो ये जो है प्रॉपर्टी के सीन में आता है, और ये गुड जो है क्वालिटी के सेंस में आता है, तो इनमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वर्क, वर्क्स, ये जो वर्क है समझिए, अभी इसके विषय में थोड़ा और चल के बताएगी, ये वर्क मतलब काम होता है आपका सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल होता है, ये वर्क्स होता है वो लिटरली पीस ऑफ पीसेज होता है, जो लिखित रूप में काम नहीं होता कि किसी ने इतना काम कर रखा है, इतना काम कर रखा है तो उसने ये चीज़ लिख रखा है, इसने ये लिख रखा है तो उसका इतना वर्क है, तो उसके लिए वर्क्स इस्तेमाल होता है लिटरली पीसेज के लिए। फ्रूट मतलब होता है फल, और फ्रूट्स मतलब होता है रिजल्ट, फ्रूट्स मतलब रिजल्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा जो सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल होता है फ्रूट का वो इस्तेमाल होता है फल के लिए, और जो फ्रूट्स इस्तेमाल होता है वो किसी उस रिजल्ट के, मतलब कहते हैं ना कि इसका फल मिला, एक होता है आपका फल, जैसे आपका फल होता है एप्पल हो गया, आपका अनार हो गया, सेब हो गया, जो कुछ भी आप समझ लीजिए, जब आप समझ रहे होंगे, ठीक है, और ये जो फ्रूट्स हो गया वो फल होता है जैसे हमें किसी काम का फल मिल रहा हो, ठीक है। एक विट मतलब इच्छा होती है, एक विट्स मतलब होता है इंटेलिजेंट, तो जो इंटेलिजेंस के टर्म में यूज किया जाता है वो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, और विट मतलब इच्छा, जो इच्छा के सेंस में होता है वो सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये थोड़ा सा जो है कुछ कन्फ्यूजिंग जो है वर्ड्स है जो सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको ध्यान रखिएगा कि इनकी मीनिंग्स अलग अलग होती है। अब बात करें कुछ और यहाँ पे नाउन की और उनके प्लूरल फॉर्म की, अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल है कस्टम, मैनर, पेन, क्वार्टर एंड लेटर, इनके जो प्लूरल फॉर्म है कस्टम्स, मैनर्स, पेन्स, क्वार्टर्स एंड लेटर्स, इनका जो यूज करते हैं ना हम एक से ज़्यादा मीनिंग में करते हैं, बोले तो कस्टम का इस्तेमाल हम ड्यूटी के सेंस में करते हैं, बिलीव के सेंस में करते हैं, कहते नहीं कि फलाना कस्टम चला आ रहा है, तो एक विश्वास के सेंस में भी करते हैं। जो हमारा मैनर्स है उसको वेज के सेंस में भी करते हैं, एटीक्वेट के सेंस में भी करते हैं, एटीक्वेट का हिंदी मतलब होता है शिष्टाचार, तो हम कहते नहीं तुम्हें काम करने का तरीका नहीं है, तो मतलब एक शिष्टाचार की बात करते हैं, काम वाली बात में हमारा जो है वेज हो गया कि तुम्हारे काम करने का तरीका नहीं है और तुम्हें मैनर्स नहीं है, हम ऐसा नहीं बोलते, तो वहाँ पे शिष्टाचार के सेंस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो दोनों सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। पेंस ट्रबल टेकिंग के सेंस में इस्तेमाल करते हैं,
क्वार्टर का जो इस्तेमाल है वो 1/4 के सेंस में करते हैं, और रेसिडेंस के, कहते नहीं कि उनके क्वार्टर पे जाना है, तो रेसिडेंस के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। जो लेटर है इसका अल्फ़ाबेट के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, लिटरेचर के सेंस में और लेटर के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहे आपके नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड नंबर, ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल और इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो मैंने आज डिस्कस किए हैं। इसमें से जो 70% कंटेंट है वो ऐसा कंटेंट है कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, 30% चीज़ें ही आपको याद करने की ज़रूरत है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि मैंने ये पूरा 100% आपको क्यों पढ़ाया, बगैर वो 70% जाने ये 30% याद नहीं होता है। तो इनको एक बार जो है समझना ज़रूरी है, उसके बाद ये 30% आपको याद करना है। तो इन 30% चीज़ों का आपको नोट्स बनाना है। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगा तो उस लेक्चर में मैं इसका 30% का रिकैप लूँगा कि ये चीज़ें थी जो आपको याद करने की ज़रूरत थी, ताकि एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ। और ये रिवीजन का प्रोसेस लगातार मेरे लेक्चर्स में चलता रहेगा, ताकि आप कल को ये मत बोलो कि सर हमें याद नहीं है, सर हमें भूल गया, मुझे रिवीजन लेना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर स्पीड थोड़ा बहुत ज़्यादा होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि सर थोड़ा स्लो कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज़ बहुत नॉर्मल सी है, आप सभी लोगों को पता होगा, इसलिए स्पीड मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी। अगले वाले लेक्चर में जो मैं पढ़ाऊँगा वो नाउन से रिलेटेड जितने रूल हैं वो पढ़ाने वाला हूँ, और नाउन एंड केस एक और टॉपिक है इसमें जो मुझे पढ़ाना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इनको मैं थोड़ा आराम से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको चीज़ों को याद रहे। जैसे आप लोग ये लेक्चर कर रहे हैं, आप में से कोई अगर ऐसा स्टूडेंट हो जैसे इसको हल्के में लेके गया हो कि ये ठीक है हमको आता है, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप आगे चल के देखिएगा कि जब वो आगे वाला पार्ट कर रहा होगा तो उसे चीज़ें सही से समझ में नहीं आएगी, और वो जब अप्लाई करना होगा क्वेश्चंस पे, जब वो कंबाइंड करके आता है कि जिसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सब पढ़ ले, तब क्लियरिटी नहीं आती है, क्लियर विज़न नहीं आता है। तो क्लियर विज़न आने के लिए आपको एक एक स्टेप बढ़ना होगा, इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ। तो रिविज़न का जो सिलसिला है वो हमारे हिसाब से कीजिए, और इस लेक्चर्स को आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और लगभग उन सारे लोगों को साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, जैसे जो अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते हैं, जो गांव में बैठे हुए हैं, ताकि उनको हेल्प हो सके, और 2018 एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम उनके जो कैरियर का वो आखिरी पड़ा हो, इस एग्ज़ाम के बाद उन्हें दूसरे एग्ज़ाम का मुँह देखना ना पड़े, उन्हें दूसरे जो है टीचर्स को या फिर और पैसे फूकने की ज़रूरत ना पड़े, लाइफ में स्ट्रगल करना ना पड़े। अगर उन्हें मेहनत करना है और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं तो ये उनका आखिरी पड़ाव हो 2018। सो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी हेल्प करेंगे इस एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाने में, मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करता हूं। थैंक यू, बाय बाय।